Wait. Oh, don't do this. It'll work. It's tainted. दोस्तों, हर किसी को नई जगह को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। नई जगह पे हमें वहाँ के नए दोस्त भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी अनजान शहर में मुसीबतें भी आ जाती है। तो आज हम ऐसी एक मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक टैटू आर्टिस्ट से, लेकिन हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पर हम कुछ सर्जिकल टूल्स देखते हैं जो कि किसी नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट का सामान तो नहीं था। फिर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे ब्रॉक, एमी, जेसी, स्टेफनी, केविन और केली। वे सभी एक शहर में ट्रेवल करने के लिए आए थे और सभी वहाँ पर एक नाइट क्लब में बहुत इंजॉय करते हैं। एमी बाथरूम में जाती है और वहाँ पर उसको कुजस फैमिली की पेंटिंग्स दिखाई देती है, लेकिन वो किसी नॉर्मल पेंटिंग की तरह नहीं दिख रही थी। अब उसी क्लब में ब्रॉक को एक टैटू आर्टिस्ट उटा मिलती है जो उसको सेड्यूस करती है। उटा की बात मानकर ब्रॉक एमी को अपने साथ में लेकर उटा के टैटू पार्लर में चला जाता है। वो पार्लर एमी को बहुत ही अजीब लगता है और वहाँ के इक्विपमेंट्स भी बहुत ही अजीब थे। उटा किसी भी चीज़ को टच करने से एमी को मना करती है। फिर एमी को बाहर ही छोड़कर उटा ब्रॉक को बेसमेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बीच में ही उटा ब्रॉक को बेहोश कर देती है। फिर ऊपर के फ्लोर में एमी टैटू पार्लर ऑनर रोरी से मिलती है। दोनों टैटू के बारे में डिस्कस कर रहे थे और रोरी एमी को एक ड्रिंक देता है जिसे पीने के बाद में एमी भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रोरी और उटा एमी और ब्रॉक को एक स्ट्रेचर पर बांध देते हैं। ब्रॉक और एमी होश में आकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों को छोड़ दें, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। रोरी ब्रॉक के हाथ की स्किन निकालने लगता है और ब्रॉक दर्द से चिल्ला रहा था। रोरी फिर ब्रॉक का एक कान काटकर अपने डॉग को खिला देता है। फिर उसके बाद रोरी ब्रॉक के बैक की पूरी स्किन निकाल लेता है और अब अपने टैटू आर्ट के लिए ब्रॉक की स्किन ही उसका कैनवास थी। बाकी दोस्तों को एमी और ब्रॉक की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए वे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे और इसीलिए उन दोनों को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रोरी एमी को एक स्पेशल टैटू के बारे में बताता है जो पूरे लाइफ टाइम में किसी स्पेशल को ही सिर्फ एक बार मिलता है। इस टैटू को हाथ से बनाया जाता है तो इसीलिए उसमें नीडल की हर एक मूवमेंट में बहुत दर्द महसूस होता है। रोरी फिर एमी के फेस पर वही टैटू बनाने लगता है। दूसरी तरफ सभी दोस्त वहीं पर हर एक टैटू शॉप में ब्रॉक और एमी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि कल रात को उन्होंने एमी और ब्रॉक को एक टैटू आर्टिस्ट के साथ में देखा हुआ था। फिर रात के समय उनको कुछ टीनेज बच्चे बिना वजह गाली देते हैं और जेसी गुस्से में आकर एक टीनेज बच्चे को पीट देता है, जिसे देखकर बाकी डरकर वहां से भाग जाते हैं। वहां से सभी लोग रोरी के टैटू पार्लर आकर उससे एमी और ब्रॉक के बारे में पूछताछ करते हैं और रोरी उनको कहता है कि एमी और ब्रॉक कल रात को टैटू बनवाकर वहां से निकल गए थे। उनके जाने के बाद में रोरी एमी को उसके फेस पर बनाया हुआ टैटू दिखाता है और उसको कहता है कि जब भी एमी इस टैटू को देखेगी तो उसे यहाँ की सभी बातें और इंसिडेंट पूरा याद आ जाएगा। अपने फेस पर इस टैटू को बना हुआ देखकर एमी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ केली, स्टेफनी और केविन, इन सभी को रोरी की बात पर शक हो रहा था और शॉप पर उन लोगों ने भी अजीब से टैटू कैनवास को देखे हुए थे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। स्टेफनी पुलिस कंप्लेंट करवाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों की बात सुनकर जेसी गुस्सा करने लगता है। उसके मुताबिक तो एमी और ब्रॉक कहीं और ही अपना प्राइवेसी टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, इसीलिए जेसी उनको ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं था और वहां से वो एक स्ट्रिप क्लब में एंजॉय करने के लिए चला जाता है। जेसी के अलावा बाकी दोस्त फिर से रोरी के टैटू पार्लर जाते हैं और वहाँ पर उनको उटा मिलती है जो कि उनको बेसमेंट में लेकर जाती है। बेसमेंट में ब्रॉक और एमी की हालत देखकर केविन जेसी को कॉल करता है, लेकिन जेसी उनका कॉल नहीं उठाती है। फिर वे लोग एमी की मदद करते हैं। उससे पहले रोरी वहाँ पर आकर केली और केविन को बेहोश कर देता है और उटा स्टेफनी के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। इधर जेसी को केविन का वॉइसमेल मिलता है जिसमें केविन ने उस टैटू पार्लर की सारी बातें बताई हुई थी और वो जेसी से हेल्प भी मांग रहा था, लेकिन फिर भी जेसी उसके वॉइसमेल को इग्नोर करके उस प्रोस्टिट्यूट के साथ में एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ सभी को जब होश आता है तो स्टेफनी नेकेड एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। केली और केविन को लटकाकर बांध रखा था। एमी उनको सभी बातें बताती है कि ये टैटू आर्टिस्ट लोगों की स्किन निकालकर अपना आर्ट बनाता है और ब्रॉक को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। केविन की भी स्किन निकाली गई थी तो इसीलिए केविन दर्द से वही पार्लर में बेहोश हो जाता है। फिर उसी टाइम वहां पर उटा और रोरी आते हैं। स्टेफनी की बैग पर एक बर्थमार्क था तो इसीलिए स्टेफनी की स्किन रोरी का कैनवास बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था और इसीलिए रोरी टैटू को प्रैक्टिस करने के लिए उटा को स्टेफनी दे देता है। रोरी को कहीं पर जाना था और जाने से पहले वो उटा को वार्निंग देता है
कि एमी को वो सेफ रखे और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब रोरी के जाने के बाद उटा ब्रूटली तरीके से स्टेफनी के बैक की स्किन को निकालती है और स्टेफनी दर्द से चिल्ला रही थी और उटा तब स्टेफनी का गला मरोड़कर उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ रोरी अच्छे से ड्रेसअप होकर एक अमीर आदमी से मिलता है और रोरी उस आदमी को एक पार्सल देता है और वो आदमी बदले में रोरी को एक बैग भर के पैसे देता है। वो अमीर आदमी अपने घर में आकर रोरी का दिया हुआ पैकेज खोलता है जिसमें उसी आदमी की पेंटिंग की हुई थी या यूं कहें तो ह्यूमन की स्किन पर पेंटिंग की गई थी। एमी ने क्लब में भी इसी तरीके की बहुत सारे ह्यूमन स्किन पर बनी हुई पेंटिंग को देखा हुआ था तो इसीलिए वो पेंटिंग देखने में बहुत अजीब थी। दूसरी तरफ केली किसी तरह खुद को छुड़ाकर उटा को बेहोश कर देती है लेकिन वो एमी की चेन खोल नहीं पाती है और इसीलिए मदद लाने के लिए केली बाहर भागती है लेकिन बाहर वही टीनेज बच्चे केली के पीछे पड़ जाते हैं अपना बदला लेने के लिए क्योंकि जेसी ने उन बच्चों को पीटा था। फिर भागते भागते केली एक ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था और उसके सामने वही टीनेज बच्चे थे। उसी टाइम वहाँ पर रोरी आता है उन टीनेज बच्चों और केली को गोली से मारकर उन्हें जान से मार देता है। इधर उटा को जब होश आता है तो एमी उसकी हालत पर हंस रही थी। गुस्से में उटा एमी के दांत उखाड़ने वाली थी लेकिन उसी टाइम रोरी वहाँ पर आकर उटा को रोकता है और एमी को हार्म करता देख कर रोरी उटा पर बहुत गुस्सा होता है। रोरी उटा को संभालता है और उसकी चेन खोलकर उसको एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ह्यूमन स्किन को कैनवास बनाकर उन पर आर्ट किए गए बहुत सारे टैटू आर्ट थे। वहाँ पर रोरी एमी को बताता है कि पुराने जमाने में रशियंस अपने दुश्मनों की स्किन को निकालकर उनमें अपनी फोटो को टैटू कराते थे और यही उनकी जीत का सिंबल हुआ करता था और रोरी का खानदानी उसी टैटू आर्ट को किया करता था और रोरी अभी भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ बाहर जेसी प्रोस्टिट्यूट जाला को उसी टैटू पार्लर में ले आया था और कुछ ही देर में उटा जाला को टॉर्चर करके मार डालती है। जेसी को पता चलता है कि एमी भी रोरी के पास में कैद है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जेसी कुजास फैमिली का ही एक मेंबर है जो कि रोरी को ऐसे आर्ट बनवाने का काम देते थे और जेसी का असली नाम जेसी नहीं बल्कि अंटानिश था। जेसी चाहता था कि ब्रॉक की स्किन पर उसकी फोटो को टैटू किया जाए। वो एमी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और जेसी रोरी से एमी को छोड़ने को कहता है लेकिन एमी ने बाहर जाने के बाद ये बात पुलिस को बता दी तो ये कुजास फैमिली के लिए खतरा हो सकता था और इसीलिए जेसी रोरी को एमी को मारने का ऑर्डर देता है लेकिन रोरी इंजेक्शन से जेसी को ही बेहोश कर देता है क्योंकि एमी अब रोरी की फेवरेट बन चुकी थी। रोरी एमी की चेन खोलकर उसको आज़ाद करता है और एमी को अपने हिसाब से फैसला लेने को कहता है कि एमी यहाँ पर रहना चाहती है या फिर जेसी को अपने दोस्तों के लिए सजा देना चाहती है। एमी भागने का सोचती है लेकिन ब्रॉक की स्किन पर बना टैटू आर्ट देखकर एमी जेसी से बदला लेने का फैसला कर लेती है। एमी बेसमेंट में जाकर उटा को बहुत मारती है और उसका गला काटकर उसको जान से मार डालती है। जेसी को जब होश आता है तो वो एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था और एमी जेसी की स्किन निकालती है और जेसी तड़प तड़प कर मर जाता है और जेसी की स्किन पर रोरी एमी की फोटो को टैटू आर्ट कर रहा था। सीन कट होता है और कहानी अब कुछ दिनों के बाद में शुरू होती है जहाँ पर रोरी के टैटू पार्लर पर दो लोग टैटू करवाने के लिए आए हुए थे और एमी उनका वेलकम करती है। मतलब कि एमी ने उटा की जगह ले ली है और अब वो उटा की जगह रोरी के पार्टनर बन गई थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि जेसी कुकास फैमिली का मेंबर है जिनका खानदान ह्यूमन स्किन को कैनवास बनाकर उन पर अपनी फोटो को टैटू करवाते हैं। ये काम बहुत सालों से चला आ रहा था और जेसी ने नाम बदल कर दोस्त बनाए हुए थे और उनको अपनी कंट्री में लेकर आया था ताकि अपने दोस्तों में से किसी एक की स्किन पर वो अपनी फोटो को टैटू करवा सके। रोरी का खानदान जनरेशन बाय जनरेशन इसी टैटू आर्ट को परफॉर्म करता था और यहाँ पर एमी ही अकेली ऐसी लड़की थी जो टैटू को लेकर बहुत ही पैशनेट थी और ये बात रोरी को पसंद आई थी और उसने एमी को नहीं मारा था बल्कि टैटू को लेकर एमी के ब्रेन में ऐसी ऐसी बातें डाल दी थी कि मौका मिलने के बाद भी एमी खुद वहाँ से भाग नहीं पाए और रोरी की पार्टनर बन गई थी। तो दोस्तों ये था अनार्की पार्लर मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और थ्रिलिंग मूवी है और इसमें टैटू आर्ट के एक अलग फॉर्म को बताया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं आपसे